यहाँ हम निकल चुके हैं दिल्ली से गांव के लिए, और गांव में हवन है शांति कुंज का, और मेरे भाई की बेटी 6 मंथ की हो गई है, तो वो पहली बार अन्न खाएगी, तो अन्नप्राशन की पूजा है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। हाँ ठीक ठीक इतना बस बनना बस ध्यान से। चलो बनाओ, क्या वीडियो बनानी है। हेलो गाइस, आई माय फेलो जवान, अभी चली है वीडियो वीडियो कॉल कॉल। यस, वेरी वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ कॉल में क्या क्या होता है। कॉल में पैंट, सॉक्स, शूज, स्वेटर और दोस्तों मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। बाय बाय। सुबह सुबह सब लोग उठ चुके थे और कुछ लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग मिलके बलून फुला रहे थे। मेरी गोद में मेरे भाई की बेटी है, और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो उसको ठंड का असर हो गया था, तो इस वजह से वो थोड़ा परेशान कर रही थी, तो मैं उसी को लेके बैठी हुई थी। ये लोग बच्चे लोग यहाँ पे और उनकी मौसी हैं, वो बलून फुला रहे थे। यहाँ पे शांति कुंज के जो पुजारी हैं वो आ चुके थे हवन के लिए, तो लोग हवन की तैयारी कर रहे थे, और मैं देखो डेकोरेशन दिखा रही हूँ। हम लोग यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं शांति कुंज के हवन के लिए। शांति कुंज की पूजा में मैक्सिमम लोग, मतलब सभी लोगों को वैसे पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए, तो मैक्सिमम लोग पीले ही कपड़े पहने थे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था, जो लोग नहीं जानते थे, वो लोग पीले नहीं पहने थे, वैसे सब लोग ज़्यादातर पीले ही कपड़े पहने थे। क्या लेना है? आटा? मम्मी उनको आटा दे दो। रेडी हो गए आप? रेडी हो गए हैं? बहुत सुंदर लग रहे हो आप तो। कौन लाया आपके ये कपड़े? रामपुर से लाए। ये है मेरा भतीजा, और बहुत ही क्यूट और बहुत नॉटी है, बहुत ही ज्यादा नॉटी है। आ जाओ। यहाँ मैं छत पे जा रही थी, और छत पे ऊपर खाना बन रहा था, क्योंकि पूजा के बाद जो हमारे पड़ोस के मोहल्ले के जो लोग थे गांव में, उन सब का खाना भी था, तो वही देखने जा रही थी कि ऊपर खाना बनाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ। अभी खाना बनना स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा जी, सरन कहाँ है? नीचे। ये देखिए हमारा गांव है, छत से कुछ ऐसा लग रहा है, और हमारा गांव बहुत अच्छा है। ऐसे सभी का गांव बहुत अच्छा होता है, और सबको गांव बहुत प्यारा भी लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जिस जिसको गांव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे शांति कुंज की पूजा शुरू हो गई है, और हमारे पड़ोस के, हमारे रिलेटिव्स, सभी लोग, सारी महिलाएं यहाँ पे आ चुकी हैं। और ये देखिए मेरी चाची हैं ये, और सभी लोग आ चुके हैं, सब बैठे हैं। अब थोड़ी देर में हवन शुरू होगा,
और फिर तरह से जब मांस मछली लोग खाते हैं तो मांस को खाने जैसे बकरा को देते हैं जाता है काटने वाला, तो बकरे को पहले ही डर नहीं लगता, वो समझ जाता है कि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, पता चल गया तो छटपटाने को बंद कर देता है। लेकिन जब उसे भारत मार देते हैं काट देते हैं तो और ज्यादा वो छटपट रहता है, मन में तो रोता भी होगा गिड़गिड़ाता भी होगा, उसकी आवाज को नहीं समझ सकते क्योंकि वो बेजुबान है बोल नहीं सकता। लेकिन कितना वो दर्द सहन करता होगा, कितनी उसको पीड़ा होती होगी, तो ये वाला तत्व जो है ध्यान देना, उसकी छटपटाहट, उसका डर, उसका भय, उसकी हाय, ये सब कुछ उसके मांस में व्याप्त हो जाता है। तो यहाँ हवन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।